हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। स्पेशली इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो इम्प्लॉयर होता है, इम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो रेमुनरेशन पे करता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जो रेमुनरेशन पे करेगा, इस रेमुनरेशन के लिए वो प्लानिंग करता है, टैक्स प्लानिंग करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। सबसे पहले रेमुनरेशन की बात जब आती है तो रेमुनरेशन के लिए दो पर्सन होने चाहिए, एक होना चाहिए पेयर और एक होना चाहिए पेई। पेयर होता है देने वाला और पेई होता है रिसीव करने वाला। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का। मतलब देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई एज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। यानी पेयर जो देने वाला, पेई रिसीव करने वाला, दोनों के बीच में संबंध जो है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का होना चाहिए। पेयर एंड पेई, पेयर देने वाला, पेई रिसीव करने वाला, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का होना चाहिए, तभी रेमुनरेशन की बातें होती है। यानी पेयर एंड पेई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का होगा, तभी उनकी जो इनकम होती है, यानी पेई जो रिसीवर है उनकी जो इनकम होती है वो सैलरी हेड में काउंट होती है। तो पेयर देने वाला, पेई रिसीव करने वाला, दोनों के बीच में जो संबंध है वो एम्प्लॉई का होना चाहिए। आप कह सकते हो मास्टर एंड सर्वेंट का होना चाहिए। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो मास्टर एंड सर्वेंट या फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का होना चाहिए, यानी पेयर एंड पेई के बीच में। जैसे ए एंड बी, ये ए अगर बी को कुछ सम पे करता है तो इन ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का होना चाहिए। यानी ए जो है इसमें पेयर है और बी जो है इसमें वो पेई है, यानी वो रिसीव कर रहे हैं। तो ए होना चाहिए एम्प्लॉयर और बी होना चाहिए एम्प्लॉई। देयर शुड बी ए रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई और एज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का संबंध होना चाहिए, या आप कह सकते हो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। एक पर्सन देने वाला, एक रिसीव करने वाला। तो जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ देगा रेमुनरेशन, तो जो पर्सन रिसीव करता है उसके हाथ में वो सैलरी हेड में काउंट होगा, यानी उसकी जो इनकम है वो सैलरी हेड में एसेस होती है। उसकी इनकम जो है वो सैलरी हेड में एसेस होगी, क्योंकि आपको मालूम है देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 14। देयर आर फाइव हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पांच हेड्स होते हैं इनकम के, जिनमें अगर पेयर पेई के बीच में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का है या मास्टर सर्वेंट का है, तो जो भी पेई को रिसीव होगा पेयर से उसके लिए वो सैलरी है। यानी जो भी रेमुनरेशन पेयर पेई को दे रहा है वो उसका
सैलरी इनकम माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो इसका मतलब रिलेशनशिप इनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का है। अगर यहाँ पे होता कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, तो यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं होता, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, यानी इम्प्लॉयर इम्प्लॉय का कोई संबंध यहाँ पे नहीं होता। फिर वो या तो पीजीबी में कवर होता है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कवर होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अगर है तो इसका मतलब देर इज रिलेशनशिप ऑफ, देर इज रिलेशनशिप ऑफ इम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, इम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, संबंध है पेयर और पे के बीच में। पेयर और पे के बीच में जो संबंध है वो इम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का होना चाहिए, यानी जो पेयर पे को देगा रेमुनरेशन वो उसकी सैलरी इनकम मानी जाएगी, यानी पे के हाथ में वो उसकी सैलरी इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक जो पेयर है यानी जो इम्प्लॉयर है वो टैक्स प्लानिंग करता है यहाँ पर। वो यहाँ पर कोशिश ये करता है कि एक अच्छा से अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर बनाया जाए, जैसे इम्प्लॉयर इम्प्लॉय, इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को रेमुनरेशन देगा, वो रेमुनरेशन जो होता है वो इम्प्लॉयर के लिए एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, यानी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है उसके लिए। इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को जो भी रेमुनरेशन देता है तो इम्प्लॉयर के लिए रेमुनरेशन एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके एक्सपेंडिचर का, खर्चे का। इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को जो भी रेमुनरेशन देता है ये रेमुनरेशन जो है ये इम्प्लॉयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है, यानी एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, उसके लिए एक बहुत बड़े खर्चे का हिस्सा होता है। और इम्प्लॉय के हाथ में ये इनकम होगी, यानी इम्प्लॉयर जो रेमुनरेशन देगा इम्प्लॉय को तो इम्प्लॉयर के हाथ में तो वो एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो दे रहा है इम्प्लॉय को, और इम्प्लॉय को मिल रहा है यानी उसको इनकम हो रहा है। तो इम्प्लॉयर जो अपने इम्प्लॉय को रेमुनरेशन देगा वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है एक्सपेंडिचर का, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खर्चे का इम्प्लॉयर के लिए। तो इम्प्लॉयर यहाँ पे एक कोशिश करता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे अलाउंस, ऐसे परकिज्यूट्स दिए जाए जो पूरे या कुछ माफ हो, यानी एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट पार्टली एग्जम्प्ट या फिर फुली एग्जम्प्ट। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो मैं बात कर रहा था जब भी इम्प्लॉयर इम्प्लॉय को कुछ भी रेमुनरेशन देगा तो इम्प्लॉयर के हाथ में तो वो एक्सपेंडिचर होता है, बहुत ही बड़े एक्सपेंडिचर में कवर होते हैं। अगर मान लीजिए ये एक्सपेंडिचर जो है वो डिसअलाउड हो जाए, अगर ये जो एक्सपेंडिचर है जो इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय पे कर रहा है रेमुनरेशन के रूप में, अगर ये डिसअलाउड हो जाए तो इससे जो टैक्स लायबिलिटी होगी, यानी इससे जो इम्प्लॉयर की टैक्स लायबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर जो है वो अगर डिसअलाउड हो जाता है तो इससे इम्प्लॉयर की टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर employer should prepare salary structure in such a way that he gets maximum deduction from PGBP and other sources. On the other hand, minimize the tax liability of employee. इसलिए employer जो है वो ऐसा salary structure बनाना चाहिए, यानी employer को ऐसा salary structure बनाना चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा deduction मिल सके जब वो पीजीबीपी की इनकम निकालेगा, जब वह अदर सोर्स की इनकम निकालेगा तो उसको मैक्सिमम मैक्सिमम डिडक्शन मिल सके, उसको छूट मिल सके इम्प्लॉयर को। इम्प्लॉयर इसलिए इम्प्लॉयर को एक अच्छा सा सैलरी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए
और जिससे इम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे इम्प्लॉय को मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाए, इम्प्लॉयर को मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाए और इम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। इम्प्लॉय की जो टैक्स लायबिलिटी है वो मिनिमाइज यानी कम हो जाए। और इम्प्लॉयर जो इम्प्लॉय को देगा, इम्प्लॉयर जो इम्प्लॉय को देगा क्या देगा, सैलरी देगा। इम्प्लॉयर जो अपने इम्प्लॉय को सैलरी देगा वो सैलरी जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है। वो सैलरी हो सकती है इन फॉर्म ऑफ अलाउंसेस। इम्प्लॉयर जो अपने इम्प्लॉय को सैलरी देता है वो सैलरी हो सकता है वो अलाउंस के रूप में हो सकता है वो परकिजिट्स के रूप में हो। परकिजिट्स का मतलब होता है इन एडिशन टू सैलरी, यानी सैलरी के अलावा जो बेनिफिट इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय को देता है जनरली इन काइंड यानी जो कैश में ना दिया जाए। यानी इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय को जो इन काइंड जो बेनिफिट देता है जैसे कार फैसिलिटी, ये परकिजिट्स है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये परकिजिट्स है। अलाउंसेस जो होते हैं जनरली ये एक पर मंथ मिलते हैं और ये एक फिक्स पर्पस के लिए मिलते हैं। तो अलाउंस जो होते हैं ये कुछ एग्जम्प्ट भी होते हैं, कुछ पार्टली एग्जम्प्ट होते हैं, कुछ फुली एग्जम्प्ट होते हैं। आगे इसके बारे में डीपली से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब इम्प्लॉयर जो होता है वो सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा उसको ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिडक्शन मिल सके और इम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। तो सैलरी जो है वो इम्प्लॉयर किस फॉर्म में देगा, या तो वो अलाउंस, परकिजिट्स और बेनिफिट्स जो पूरे या कुछ पोर्शंस का एग्जम्प्ट है। तो इम्प्लॉयर यहाँ पे कोशिश करता है वो सैलरी में जो अलाउंसेस, परकिजिट्स, बेनिफिट्स जो एग्जम्प्ट है यानी जो टोटल इनकम में काउंट ही नहीं होते, ऐसे वो देने की कोशिश करेगा जिससे कि टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। टैक्स लायबिलिटी कैन बी मिनिमाइज, टैक्स लायबिलिटी कैन बी मिनिमाइज। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं जो या तो फुली या कुछ स्पेसिफाइड लिमिट में जो है वो डिडक्टेबल होते हैं। यानी जब भी इम्प्लॉयर अपनी पीजीबीपी की इनकम निकालता है, जब भी इम्प्लॉयर जो है जब भी इम्प्लॉयर अपनी पीजीबीपी की इनकम निकालेगा, जब भी इम्प्लॉयर अपनी पीजीबीपी की इनकम निकालेगा यानी जब भी वो अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा, तो उसमें ये ऐसे खर्चे हैं जिसकी उसको छूट मिल जाती है, तो पूरी छूट मिल जाए या कुछ एक स्पेसिफाइड लिमिट में छूट मिल जाती है। यानी फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल फुली और विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। या तो ये खर्चे पूरे के पूरे अलाउ हो जाएंगे, उसको डिडक्शन मिल जाएगी, या फिर कुछ लिमिट में डिडक्शन मिलेगी। और ये जो पोर्शन है प्लानिंग वाला, ये प्लानिंग वाला पोर्शन जो है मैं ये इस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, प्लानिंग रिगार्डिंग मैनेजरियल रेमुनरेशन फ्रॉम इम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। आवाज आ रही है इसकी? हाँ बंद कर दे, बात करते कर राजा बंद कर दे दरवाजे है ना यो। तो बात करते हैं एक्सपेंसेस की जो कि या तो पूरे के पूरे डिडक्टेबल होंगे या कुछ स्पेसिफाइड लिमिट में डिडक्टेबल होंगे। सबसे पहले रिपेयर, लैंड रिवेन्यू, म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ओन बिल्डिंग ओन्ड बाय एम्प्लॉयर यूज बाय एम्प्लॉय फॉर रेजिडेंशियल पर्पज इफ रेजिडेंस इज नेसेसरी फॉर द एफिशियंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 30। अगर अगर कोई खर्चा होता है बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग जो है वो इम्प्लॉयर की है लेकिन इम्प्लॉय उसको यूज करता है, ध्यान देना, बिल्डिंग है इम्प्लॉयर की लेकिन यूज कर रहा है इम्प्लॉय, बिल्डिंग इम्प्लॉयर की है लेकिन यूज कर रहा है इम्प्लॉय फॉर
रेजिडेंशियल पर्पल यानी इम्प्लॉय उसमें रह रहा है। अच्छा, वहां पे ये देखना पड़ेगा आपको कि जो रेजिडेंस है वो क्या जरूरी है बिजनेस को स्मूथली या एफिशिएंटली कंडक्ट करने के लिए, क्या वहां पे इम्प्लॉय का रहना जरूरी है? अगर आपका आंसर है यस, इम्प्लॉय का रहना वहां पे जरूरी है, तो इम्प्लॉय को जो बिल्डिंग दी जा रही रहने के लिए, उस बिल्डिंग के ऊपर जो भी इम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, रिपेयर का, लैंड रिवेन्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस का या इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो उसको उसकी पूरी छूट मिल जाएगी सेक्शन 30 के अंदर। रिपेयर, लैंड रिवेन्यू, म्युनिसिपल टैक्स एंड इंश्योरेंस कमीशन, यानी अगर कोई रिपेयर पे खर्चा हो रहा है, कोई लैंड रिवेन्यू, कोई लगान दी जा रही है, या कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया जा रहा है, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है बिल्डिंग के ऊपर, ऐसी बिल्डिंग जो बिजनेस के लिए यूज की जा रही, यानी यहाँ पर इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय को एक स्टाफ क्वार्टर के रूप में उस बिल्डिंग को दे रखा है, और वहां पे इम्प्लॉय का रहना बहुत ही जरूरी है, तो उसको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, यानी इम्प्लॉयर को पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी उस बिल्डिंग पे जो भी वो खर्चा कर रहा है, रिपेयर का, लैंड रिवेन्यू का, म्युनिसिपल टैक्सेस का एंड इंश्योरेंस प्रीमियम का सेक्शन 30 के अंदर। अब एक बात ये भी हो सकती है, यहाँ पे बोला कि बिल्डिंग ओन्ड बाय इम्प्लॉयर, प्लीज नोट करना, बिल्डिंग ओन्ड बाय इम्प्लॉयर, हो सकता है कि इम्प्लॉयर की खुद की बिल्डिंग ना हो। अगर इम्प्लॉयर ने बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा है, हो सकता है कि इम्प्लॉयर ने बिल्डिंग को रेंट पे ले रखा हो, तो उसको फिर रिपेयर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी, यानी जो बच गए। अच्छा, क्या बच गया? एक तो म्युनिसिपल टैक्स बच गया, दूसरा लैंड रिवेन्यू बच गया। तो यहाँ पे अगर इम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है बिल्डिंग को, रेंट पे अगर बिल्डिंग को ले रखा है, तो उसको रेंट की भी छूट मिल जाएगी, रिपेयर की छूट मिल जाएगी, इंश्योरेंस की छूट मिल जाएगी। अगर इम्प्लॉयर ने बिल्डिंग को रेंट पे लिया है, उसकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, तो जो भी वो रेंट पे कर रहा है बिल्डिंग का, जो भी उस पे वो रिपेयर करता है, रिपेयर अगर उसने जिम्मेदारी ली है रिपेयर करवाने की, तो जो भी वो रिपेयर की कॉस्ट पेयर कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, उसकी उसको छूट मिल जाएगी, उसकी उसको छूट मिल जाएगी। उसके बाद है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑन मशीनरी मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय इम्प्लॉयर एट द रेजिडेंस ऑफ इम्प्लॉई फॉर बिजनेस पर्पस सेक्शन 31। सेक्शन 31, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, प्लीज नोट दी वर्ड रिपेयर, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ओन मशीनरी, रिपेयर और रिपेयर एंड इंश्योरेंस ओन मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय इंप्लॉय एट द रेजिडेंस ऑफ इंप्लॉई फॉर बिजनेस पर्पस। यहां पे ध्यान देने वाली बात, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, अगर इंप्लॉयर ने कोई मशीनरी प्लांट फर्नीचर जो जो इम्प्लॉई को उसके रहने के लिए दिया हुआ है और वो बिजनेस पर्पज के लिए है, तो जो जैसे उसको टीवी दे रखी है, उसको फर्नीचर दे रखा है, उसको एसी दे रखा है, तो मशीनरी प्लांट फर्नीचर पे जो भी रिपेयर इंश्योरेंस का खर्चा इम्प्लॉयर बियर करता है, उस खर्चे की उसको पूरी की पूरी छूट मिल जाएगी, उस खर्चे की उसको पूरी की पूरी छूट मिल जाएगी सेक्शन 31। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर
given by employer to employee for personal use. अगर employer ने कोई building, कोई plant, कोई machinery, कोई furniture जो अपने employee को उसके personal use के लिए दिया हुआ है, तो उनके ऊपर जो भी depreciation होगा, उसकी भी employer को deduction मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी under section 32. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई. अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की हेल्थ के ऊपर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की हेल्थ के ऊपर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है और वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो किसी स्कीम के तहत है, ऐसी स्कीम जो फ्रेम्ड है, जो बनाई जा रही है जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा, या किसी, या वो अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी अदर इंश्योरर से या एडा से, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, अगर वो अप्रूव्ड है तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी जो भी उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ के ऊपर. जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसने, उसको उसकी छूट मिल जाएगी. लेकिन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद करने की इसमें है, वो है कि मोड ऑफ पेमेंट शुड बी अदर देन कैश. यानी कैश के अलावा, यानी या तो पेमेंट होनी चाहिए चेक में होनी चाहिए या फिर डीडी में होनी चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से होनी चाहिए. कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए, तभी उसको डिडक्शन मिलेगी, तभी एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 36 आईआईबी के तहत. बोनस कमीशन, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस कमीशन पे करता है, लेकिन वहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोनस कमीशन की उसको डिडक्शन तभी मिलेगी जब बोनस कमीशन जो वो एक्चुअल में पे हुआ हो, जब बोनस कमीशन एक्चुअल में पे किया हो. यानी सेक्शन 43B को ध्यान में रखना पड़ेगा. और सेक्शन 43B क्या बोलते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने बोनस कमीशन पे किया एम्प्लॉई को, तो वो बोनस कमीशन जो है उसकी पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम से पहले होनी चाहिए, और एम्प्लॉयर को उस बोनस कमीशन की पेमेंट की जो प्रूफ है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ सबमिट करना पड़ेगा, तभी उसको बोनस कमीशन की डिडक्शन मिलती है. सेक्शन 36(1)(ii) इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्वायरिंग एसेट्स. यानी अगर एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए एम्प्लॉयर ने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वो इंटरेस्ट जो है वो लोन पे किया जा रहा है, और लोन जो है वो लिया है स्पेशली किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए. यानी यहां पर जो एसेट एक्वायर की जा रही है, वो एम्प्लॉयर द्वारा नहीं, एम्प्लॉय द्वारा एक्वायर की जाती है. यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसने लोन लिया और उसी लोन में से वो कुछ अमाउंट लोन के रूप में एम्प्लॉय को देता है, लेकिन वो लोन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए देता है. भले ही वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो, तब भी जो भी इंटरेस्ट पे करता है एम्प्लॉयर लोन के ऊपर, उसको उसकी छूट मिल जाएगी. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयर ने बोरो नहीं किया वो फंड, यानी एम्प्लॉयर ने स्पेशली लोन जो है वो अपने एम्प्लॉय को लोन देने के लिए ना लिया हो. यानी एम्प्लॉयर ने अगर लोन स्पेशली अपने एम्प्लॉय को लोन देने के लिए लिया है और जो उस पर वो इंटरेस्ट पे करेगा, तब उसको छूट नहीं मिलेगी. अगर एम्प्लॉयर ने लोन लिया है और उसी लोन में से वो एम्प्लॉय को लोन देता है एसेट को एक्वायर करने में, तभी उसको छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 36(1)(iii). कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड फंड्स. अगर एम्प्लॉयर जो है वो अप्रूव्ड फंड्स में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए, तो यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉयर किसी आरपीएफ में, किसी अप्रूव्ड फंड में, किसी अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में अपने एम्प्लॉय के लिए
कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट के तहत मिलेगी। सेक्शन 36(4)(5) कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD। अगर इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉई के लिए कोई पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अंडर सेक्शन 80CCD, दैट इज न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, वहां पर उसको डिडक्शन मिल जाएगी, यानी इम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन अप टू 10% ऑफ सैलरी उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 36(4)(a). एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग यानी अगर कोई इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग पे कोई खर्चा करता है और वो जो एक्सपेंसेस है वो रिवेन्यू नेचर का है, तो उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। यानी इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय के लिए जो भी उसके फैमिली प्लानिंग पे कोई खर्चा करता है उसकी 100% उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है तो इम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगी नो डाउट, बट 1/5 यानी उसको हर साल 20% की डिडक्शन मिलेगी और ये डिडक्शन 5 सालों तक मिलेगी। इफ अदर देन कंपनी, हाँ अगर कंपनी पे करती है फैमिली प्लानिंग पे इम्प्लॉयज के लिए तब छूट मिलेगी, रिवेन्यू है तो 100%, कैपिटल है तो 1/5। अगर कंपनी के अलावा कोई पर्सन है जो अपने इम्प्लॉय के लिए पे करता है और वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 37(1) के अंदर। हाँ अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस है तो फिर उसको डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 32। एक्सपेंसेस ऑन एंटरटेनमेंट, अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय के एंटरटेनमेंट पे यानी मनोरंजन पे कोई खर्चा करता है तो उसको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, फुली डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37(1). एक्सपेंसेस ऑन गेस्ट हाउस, अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय के लिए कोई गेस्ट हाउस पे कोई खर्चा करता है तो उसको भी उसकी छूट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 37(1), यानी इंप्लॉयर जो खर्चा करता है गेस्ट हाउस पे अपने इंप्लॉय के लिए उसको जब वो अपनी पीजीबीपी की इनकम निकालेगा, अपना प्रॉफिट निकालेगा, तो उस केस में उसको उसकी छूट मिल जाएगी। एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर द एम्प्लॉय वेलफेयर इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 37(1). अगर कोई इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कोई खर्चा करता है तो भी इम्प्लॉयर को उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 37(1). ओके थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसमें जो हम कवर करेंगे पोर्शन वो रहेगा टैक्स प्लानिंग फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी दोनों के दृष्टिकोण से हम देखेंगे टैक्स प्लानिंग कैसे की जाती है। ओके थैंक यू बच्चों।